वेलकम बैक टू माई चैनल। ये देखिए मेरा वाटर लिली का प्लांट है। आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वाटर लिली, ये वाली जो वाटर लिली है ये हार्डी वाटर लिली है। जो ट्रॉपिकल्स होती हैं वो सर्दियों में डोरमेंसी में चली जाती हैं, पर ये नहीं जाएंगी क्योंकि ये ट्रॉपिकल्स हैं। ये देखिए, ये मैंने एक प्लांट लगाया हुआ है इसमें और अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। अभी जो है मानसून का सीज़न चल रहा है, तो ये प्लांट्स जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इनको अभी अभी लगाया है। ये देखिए धूप इसको आप पूरी दें, धूप की बात करें तो हम धूप इसको पूरी देंगे। ऐसी जगह रखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो। गर्मियों में जो है आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें ताकि इसका पानी जो है ड्राई ना हो। और जो है आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका पास ट्रॉपिकल वाटर लिलीज हैं तो आप उनको एक ट्रिक कर सकते हैं सर्दियों में बचाने के लिए। पानी आप थोड़ा सा, इतना पानी कम कर आप क्या कर सकते हैं कि जो आप फुल धूप में रखें प्लांट को, फिर उसके बाद जो रात में जो उसने जो सारी धूप अपने कलेक्ट की है वो धूप को आप क्या करें कि शॉल से या फिर किसी गिलास से उसको ढक दें ताकि वो जो उसने धूप कलेक्ट की होती है प्लांट ने वो उसको यूज़ आ सके और प्लांट से पूरा ठंडा ना हो जाए अचानक से पानी। और आप साइड्स में, जो प्लांट के साइड्स में क्या कर सकते हैं कि प्लांट के साइड्स जो एज होते हैं कंटेनर के, उसमें आप क्या कर सकते हैं उस मोटा कपड़ा शॉल या किसी चीज़ से बॉर्डर बना दें ताकि पानी इतनी जल्दी ठंडा ना हो। देखिए, और इसको फर्टिलाइज आप कैसे कर सकते हैं कि आप है ना एक पोटली बनाएं, पोटली में आप एनपीके डाल दें, एनपीके फर्टिलाइज़र या डीएपी फर्टिलाइज़र रहता है वाटर लिलीज का, तो वो डालकर आप एक पोटली बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि आपके जो वाटर लिलीज है उसमें मिट्टी में जो है दबा दें कोने में एक तरफ, ताकि आपका प्लांट जो है अच्छा भरे, अच्छा ग्रोथ करे और अच्छे से फ्लावर आए उसमें। और आप जो है पोटैश फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, पोटैश होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए, इसका जो आपको क्राउन रखना है वो सॉइल के ऊपर रखना है, इतना ज़्यादा दबाना नहीं होता है क्राउन। ये देखिए, ताकि इसकी रूट्स को और जड़ को अच्छे से जगह मिले। और आपको हमेशा वाटर लिली इसको साइड में प्लेस करना होता है। और जो है देखिए, वाटर लिली दो टाइप की होती हैं, हार्डी एंड ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल्स को तो आप बीच में लगाएं, उनके ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स को आप बीच में लगा सकते हैं, बट हार्डी साइड में लगाएं क्योंकि उसके राइजोन्स होते हैं, राइजोन से और प्लांट्स निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी आप क्लीनिंग कर दें मंथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी प्लांट्स के लिए अच्छी होती है एक्वाटिक प्लांट्स के लिए, पर ज़्यादा भी नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी क्लीन करते रहें तो अच्छा रहेगा प्लांट। आप इसमें फिशेस डाल सकते हैं ताकि मॉस्किटोज ना हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं नीम की जो लीव्स होती हैं, नीम की लीव्स को आप उबाल लें जब तक वो आधी ना हो जाए, पानी में उबाल लें जब तक वो आधा ना हो जाए, फिर उसमें आधा या एक नींबू निचोड़ दें जिससे प्लांट अच्छा सा बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।